दिस इज़ माई सेकेंड ब्लॉग और आज एक और नया रेस्क्यू किया है मैंने, दिखाता हूँ आपको। वेट कराने की जरूरत नहीं है मुझे इसका। ये एक सिल्वर बिल बर्ड है जो अभी बहुत छोटी बच्चा है। और जैसे मैं बैंक जा रहा था, बैंक के बाहर मेरे को मिली, मैंने गार्ड से पूछा कि इसके पेरेंट्स को आपने देखा है या इसके जैसी चिड़ियों को, तो वो कहते कि मैं एक घंटे से देख रहा हूँ, ये यहीं पे है और बाकी और कोई दिखा नहीं है। मैं इसको ले आया, ये अभी तो एक्टिव है बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये अभी खुद से खा नहीं सकती है और मैं खिलाने की कोशिश करूँगा तो ये खाएगी नहीं, ज़बरदस्ती है। ये बाजरा वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो मैंने इसके लिए नरम करने के लिए फुला दिया है पानी में। ये हल्का सा उड़ना सीखी है अभी, यहाँ तक आती है। नहीं नहीं गिर जाओ, बस वापस आओ वापस। तो ये है वो। और इसे मैंने जानबूझ के अपने रूम में रखा हुआ है ताकि ये यहाँ पे गर्म रहे, बाहर इसका बचना मुश्किल है, कोई भी चिड़िया इसको मार देगी, इवन मेरे यहाँ पे जो हैं वो भी इसको मार देंगी। बस ये अब खाना खाने लगे तो इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। देखा आपने, चोंच मार रही है मुझे। बस बस कैसा लगा घर? कहाँ जाना है? बस करो आओ। ये सिल्वर बिल है, ये ज़्यादातर लोग बेचते हैं इनको बट और इसी वजह से इनका ये हाल हो रहा है। ये सिल्वर बिल बर्ड ज़्यादातर जंगल में रहती थी बट लोग इनको शौक के लिए ख़रीदते हैं और फिर बेच देते हैं, और नहीं तो जब वो अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा बच नहीं पाती हैं, ये मर जाती हैं। तो जिसके पास भी हैं वो ज़्यादा बेटर यही है कि आप उनको उड़ा दें और कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा हों। ये ऐसे जगह से मिली है जहाँ पे पॉर्च एरिया था, पूरे घर घर थे, वहाँ पे कहीं कोई आसपास पेड़ नहीं था और इसी वजह से ये मेरे को मिली। अगर कहीं और कहीं होती तो शायद मर जाती। ये मेरे कार के नीचे आने वाली थी बट जब दिख गई उतरते ही तो मैंने इसको उठा लिया। बहुत छोटी है ये अभी, इसकी वाइट येलो लाइन जो इसके चोंच पे आप देख पा रहे हैं इससे पता चलता है ये बच्चा है और बहुत छोटा है। होप अब ये खा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अभी तो एंजॉय कर रही है ये बट ढूंढ रही है अपने पेरेंट्स को, आवाज़ दे रही है।